एथेंस स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज में जोसेफाइट्स गाला 2021 का आयोजन किया गया। कॉलेज के परिसर में गृह विज्ञान विभाग के द्वारा भोज मेले का आयोजन किया गया, जिसे जोसेफाइट्स गाला का नाम दिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आहारी स्वच्छता, शुद्धता और आहार में पोषक तत्व की प्रचुरता को बनाए रखने की प्रेरणा देना था। इस अवसर पर कॉलेज के अध्यापकों समेत छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कुछ छात्राओं ने स्टॉल लगाकर अपने हाथों से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, जिससे छात्राओं ने आत्मनिर्भरता के साथ साथ गृहिणी के कार्यों को भी महसूस किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्रा एवं आयोजक डॉक्टर कनकलता और सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल फादर रोजर ने कहा, जोसेफाइट्स गाला है और हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी, चिली पोटैटो और वेज बिरयानी बनाई है। वेज चिली पोटैटो बनाया है, वेज बिरयानी है। कोल्ड कॉफ़ी में बहुत तरीके के आइटम्स भी हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, आइसक्रीम है, खूब अच्छे से शेक करके हम लोगों ने बनाया है। सबसे मेन इसमें अच्छा आनंद इस बात का है कि सारे लोगों को खिला के बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें हमारा पढ़ाई के साथ साथ घर का कैसे करना है ये सब भी हम लोग पता चल रहा है, तो ये सब में सर्व करके बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है हमें। मेरा डॉक्टर कनकलता, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये कार्यक्रम जो है होम साइंस डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल भी जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम जो है जोसेफाइट्स गाला रखा गया है। ये एक फूड फेयर है लेकिन इसमें बहुत सारे और भी जो है अट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि एक म्यूज़िक कॉर्नर रखा जाता है, एक कुछ जो है गेम्स कॉर्नर रखा जाता है, फूड कॉर्नर अलग होता है, बच्चों का जो है एक डांसिंग कॉर्नर अलग होता है। तो इसमें बच्चों के जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों में पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी डेवलप करना, और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोग्राम स्पेशली इस साल विमेंस डे के अवसर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी 8 मार्च जो है विमेंस डे था, उसी को सोच के आज के दिन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में जो है मैनेजमेंट क्वालिटी डेवलप हो, साथ में उनको जो है जो बाहर के फास्ट फूड होते हैं और घर के होममेड फूड हैं उसके बीच का डिफरेंसेस बताना, और साथ में उसमें न्यूट्रिशन को किस तरीके से जो है ऐड करके हम फास्ट फूड बना सकते हैं, बच्चों का के लिए अट्रैक्टिव फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ को उनके अंदर जो है ऐड करना। हम लोगों का आज जोसेफाइट्स गाला ये नाम दिया गया है इस प्रोग्राम के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों का कॉलेज का विजन और मिशन से जुड़ा हुआ है। इस पूर्वांचल क्षेत्र में सेंट जोसेफ्स कॉलेज फॉर वुमेन शुरू करने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है, और हम लोग हर साल और हर डिपार्टमेंट इसके लिए प्रयास करते हैं कि जो भी कार्यक्रम इधर होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स हम लोग प्लान करते हैं, वो महिला सशक्तिकरण टॉपिक लेकर उसी से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मार्च 8 वुमेन्स डे हम लोग मना रहे थे, इसी के संदर्भ में हम लोगों ने सोचा कि इस साल 2 दिन के बाद आज एक अलग तरीके से इसको मनाए। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है,
मैं समझता हूँ सशक्तिकरण जो एक प्रक्रिया है वो अंदर से शुरू होने का है। क्रियात्मक तरीके से सोचना और क्रियात्मक तरीके से उसकी अभिव्यक्ति करना, यही है सशक्तिकरण। इस सशक्तिकरण को हम लोगों ने एक विजन के रूप में लेकर, उद्देश्य के रूप में लेकर हर प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और आज के ये प्रोग्राम भी स्टूडेंट्स को क्रियात्मक तरीके से सोचने के लिए और उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए एक मौका दिया गया है इस प्रोग्राम के ज़रिए। और इस प्रोग्राम हम एक अलग तरीके से वुमेन्स डे मनाने का एक दिन भी है आज।